Yes, very good evening, students. Today we are going to discuss the first chapter of chemistry, that is introduction to the chemistry. We already in the two periods we already discussed about the importance of chemistry and what is the chemistry, and uh, we are going to discuss. We already uh, we was discussing the some common chemistry laboratory apparatus. Already, I show you in the class uh, the test tube. We already discussed about the test tube. Test tube is what? Test tube are the various sizes are made from the different type of glasses test tubes are made up of different type of glasses a test tube which is heated directly on the flame is made from the pyrex glass okay they are commonly hard glass test tube boiling test tubes okay so test tubes basically they are very hard and ग्लास की बनी होती है अनदर वन दिस आई ऑलरेडी शो यू इन द क्लास दिस इज द टेस्ट ट्यूब होल्डर सो आयरन का बना होता है एंड यू कैन होल्ड द टेस्ट ट्यूब विद दिस होल्डर ओके एंड कीप इट द टेस्ट ट्यूब एट द डिस्टेंस वैंड यू आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब एंड स्टैंड टेस्ट ट्यूब स्टैंड so here this is the test tube stand i already show you in the class the test tube stand are different two ty type of test tube stands are there so this is the one of the type of the test tube stand you can perform the experiment keep it in like this so test tube stand it is a <coughs> hold the uh, basically test tube then round bottom flask this is the round bottom flask and this is the flat bottom flask okay they both are used for the experiments and they are also made up of the

तो बीकर इट इज़ ओपन सिलेंडर ओपन होता है बेसिकली दिस इज़ द क्लोज टाइप ऑफ ठीक है टाइट वेसल्स हैं बट ये ओपन है ग्लास की जैसा ही होता है बिल्कुल एंड बीकर आर ऑफ़ डिफरेंट साइजेस काफ़ी साइजेस के होते हैं छोटे बड़े बीकर सारे साइज़ के हमें मिलते हैं दिस इज़ द ग्लास ट्यूब ग्लास ट्यूबिंग ठीक है ग्लासिक ट्यूब जैसी होती है स्ट्रॉ के जैसी होती है ये एक ओके okay? तो इट इज़ जनरली यूज फॉर शेपिंग डिलीवरी ट्यूब्स ऑफ वेरियस शेप्स बाय हीटिंग तो क्या है बहुत सारे डिलीवरी ट्यूब्स को इस तरीके से बना लिया जाता है इसके साथ ही हीट करके इसको ओके तो ये बिल्कुल स्ट्रॉ की जैसी होती है बट ये कांच की होती है ग्लास की बनी होती है गिलास रॉड रॉड मतलब रॉड की जैसी सॉलिड होएगी ये रॉड लेकिन ग्लास की ही बनी होती है ये चीज़ों को स्टेयर करने के लिए जैसे हमने किसी चीज़ को हिलाना है बिकर में डाल के किसी को स्टेयर करना है तो उसके लिए ये हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं अनदर इज दी फनल दिस इज दी फनल ओके कौन शेप होती है तो चीज़ों में जैसे आपने घर में भी नॉर्मली देखे वी यूज टू जस्ट पोर ऑयल इन द डिफरेंट काइंड ऑफ बॉटल्स बाय यूजिंग दिस सो इस फन फनल लाइक स्ट्रक्चर ओके एंड इट इज़ एम्प्लॉयड फॉर पोरिंग आउट लिक्विड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर विदाउट कॉजिंग एनीज स्पिलिंग बिना नीचे गिराए हम इनको डाल सकते हैं आपने देखा कैरोसिन ऑयल डालने के लिए नॉर्मली हम इनको यूज़ करते होते थे घर में आपने देखी होंगी ऐसी आपके घर में भी होगी प्लास्टिक की होती है हमारे घर में बट जो लबोरेट्री में हम यूज़ करते हैं वो ग्लास की ही बनी होती है दिस इज़ दी चाइना डिश ए डिश भी इसको बोला जाता है चाइना डिश भी बोला जाता है मेड फ्रॉम द प्रोक्लेम ठीक है बाकी की सारी ग्लास की बनी होती है ये प्रोक्लेम जो है आ, बोन चाइना के जैसा मटेरियल होता है इट इज़ यूज फॉर वेपोरेटिंग केमिकल्स इन फॉर्म ऑफ सोल्यूशन बाय हीटिंग हम क्या करते हैं इसके अंदर डाल देते हैं जैसे हमने वाटर और सॉल्ट को मिक्स कर दिया अब ना हमें वेपोरेट करके सॉल्ट को सेपरेट करना चाहते हैं तो हम इसमें डाल देंगे मिक्स करके ओके और इसको डालने के बाद हम इसको हीट कर देंगे हीट करेंगे तो काफ़ी हार्ड होती है मोटी होती है ये और थिक होती है वैसे तो इसमें क्या होएगा ये जो सॉल्ट है इसी के अंदर रह जाएगा ठीक है देन टिपटी तो पेपट जो है पेपट कुछ ऐसी होती है ठीक है इसको भी हम नैरो लॉन्ग नैरो ट्यूब के जैसी होती है बीच में से सिलेंडर देखो नैरो है तो इनको क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं किन चीज़ों के लिए इस पर सर्कुलर मार्क्स होते हैं इसकी नेक पे मार्क करा मार्क लगी होती है कि कितने की है ये कितने उसकी है ठीक है देन इट इज़ यूज फॉर मेजरिंगिक्सड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड केमिकल हमने कितने फाइव एम एल या टेन एम एल जो डालना है ठीक है तो उतना ही सिप करके हम इसको पोर कर सकते हैं केमिकल ट्रांसफरिंग टू अनदर वेसल हम इसमें से सिप करके ठीक है और दूसरे में पोर कर सकते हैं उसी हिसाब से देन नदर वन इज द ब्यूरट दिस इज कॉल्ड द ब्यूरट ओके ब्यूरट जो है वो भी, भी हम एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या है हमारे पास इट इज़ अ लॉन्ग ग्रेजुएटेड ट्यूब प्रोवाइड विद द ग्लास स्टॉप एट द बॉटम एंड ठीक है यहाँ पे ग्लास स्टॉप लगा होता है हम स्टॉप कर सकते हैं स्टॉपर होता है ठीक है जैसे ही ओपन कर यहाँ से मटेरियल डाला है लिक्विड हमने ठीक है और हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसको तो स्टॉपर लगा होता है स्टॉपर को ओपन अप जा क्लोज कर सकते हैं हम ईजिली और चीज़ों को डाल सकते हैं ये भी मेजरिंग के लिए ही होता है हमारा इसके बाद है मेजरिंग सिलेंडर जहाँ यहाँ पे देखिए सिलेंडर के ऊपर मेजरिंग मैंने उस दिन भी आपको शो करा था सिलेंडर तो सिलेंडर के ऊपर मेजरिंग होती है तो हम इसको मेजर करके चीज़ों को क्या है कितना वॉल्यूम हमें चाहिए उस तरीके से हम करके इनको इसको यूज कर सकते यूज मैजरिंग द डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड देन पोरिंग इट आउट इनटू द नदर वेसल जैसे हमने मान लो हंड्रेड एम mm एम हमें डालना तो हम क्या करेंगे इसे मेजर करेंगे और दूसरे बिकर में जैसे हम इसको डाल देंगे ओके इसके बिना हमारे पास देखिए यहाँ पे आयरन स्टैंड भी है हमारे पास यहाँ पे ओके दिस टॉपिक विल डू इन द अनदर क्लास ओके स्टूडेंट्स